Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों मैं आपके सामने उपस्थित हूं आज अपने इस कोर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ जिसका आज हम पांचवा सत्र इसकी हम चर्चा करेंगे आज लेक्चर नंबर फाइव जिसका टॉपिक आज है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और अभी तक हमने अपने पिछले जो भी सत्र हैं जिसमें हमने अपने इस कोर्स में जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स है उसमें हमने मुख्य रूप से अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यानी संगठनात्मक मनोविज्ञान से संबंधित जो बातचीत की उसमें प्रमुख रूप से हमने देखा कि किस प्रकार से चयन की जो प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण है एक संस्था के अंदर उसके बाद उस चयन प्रक्रिया के बाद हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी जो मानव संसाधन योजना है उस संगठन में वो किस प्रकार से एक ज़रूरी भूमिका अदा करती है आ, संगठन के डेवलपमेंट में उसकी फंक्शनिंग में उसी के साथ हमने बातचीत की इन सभी प्रक्रियाओं के कोर में जॉब एनालिसिस की जो प्रक्रिया है यानी कार्य विश्लेषण की और उसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से जॉब एनालिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको किया जाना अति आवश्यक है और उसके बाद ही जो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको प्लान किया जा सकता है उसको मैनेज किया जा सकता है उसको प्रभावी ढंग से किया जा सकता है इसके साथ अब एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस सत्र में और वो ये है कि एक संगठन में किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में हम सुरक्षा की और जो वहाँ के कर्मी हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ की बात हम करेंगे आज और ये कितना ज़रूरी है किसी भी संगठन के लिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हेल्दी भी हों और साथ ही साथ सेफ़ भी हों यानी कि वो सुरक्षित वातावरण में कार्य करें उनको किसी प्रकार का कोई ऐसा भय नहीं होना चाहिए या इस प्रकार का कोई उनको खतरा नहीं होना चाहिए कि उन्हें उसकी वजह से इंजरी हो सके या किसी और प्रकार की किसी भी तरह की आजकल तमाम तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस की ये जिम्मेदारी बनती है और ये उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ उनके अपने लाभ के लिए भी ये बहुत बेहतर होता है कि यदि वो आ, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं तो इससे उनका जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस का जो ग्रोथ होता है जो डेवलपमेंट होता है जो प्रोडक्शन होता है वो भी बेहतर होता है तो आइए हम लोग आज अपने इस सत्र में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे तो जो पहला हमारा इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण बात हमें जिस पर ध्यान देना है वो इस प्रकार है कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है वो हर प्रकार के व्यवसाय चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो या व्यापार हो या उद्योग हो या वाणिज्य से संबंधित यानी किसी भी प्रकार की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो उन सभी जगहों पर हेल्थ और सेफ्टी ये दो पैरामीटर्स बहुत ही आवश्यक हैं जैसे हमने अभी अपनी जो शुरुआती जो बातचीत की उसमें इस बात पर हमने जोर दिया कि सभी संस्थाओं के लिए चाहे वो किसी भी नेचर की हों उनके लिए चाहे वो कॉमर्शियल नेचर की हों चाहे वो किसी भी प्रकार के ट्रेड एंड बिजनेस में वो अपना उनका कार्य क्षेत्र हो उनको अपने एम्प्लॉयिज़ की सेहत और सुरक्षा इन दोनों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान दोनों की तरफ इशारा करते हैं या उसकी हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयिज़ की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखती है उसके लिए आगे चल करके लॉन्ग रन में ये प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद साबित होती है और जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती यानी वो अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ और सेफ्टी को प्राइम अपना फोकस नहीं रखती उनको आगे चल करके कभी ना कभी किसी तरह की मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है और लॉन्ग रन में तो ये वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए ये कही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ही नुकसानदायक भी होता है इसके बाद जो संगठन में जितने भी कार्य होते हैं जितने भी एम्प्लॉयिज़ हैं जो उस कार्य को कर रहे हैं वो सभी एम्प्लॉयज चाहे वो किसी भी कार्य में वहाँ पर आ, हम कह सकते हैं कि, कि किसी भी कार्य को कर रहे हों उस संगठन में चाहे वो डेस्क जॉब हो चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब हो चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड जॉब हो चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब हो यानी किसी भी प्रकार का जो कार्य एक संस्थान में कोई भी एम्प्लॉय कर रहा है उन सभी के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वो सभी वर्कर वो सभी एम्प्लॉयज उस कॉन्सेप्ट से प्रभावित होते हैं ना सिर्फ लोअर लेवल के एम्प्लॉयज यानी कि जो निचले स्तर पर जो लेबर है या जो प्रोडक्शन से संबंधित जो वर्कफोर्स है बल्कि अपर लेवल पे भी जो मैनेजेरियल पोजीशंस पे भी जो लोग हैं यहाँ तक कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल यानी सेटिंग में जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी के लिए एक समान है या सभी को समान रूप से प्रभावित करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो एम्प्लॉय किसी भी लेवल पर कार्य कर रहे हों चाहे वो आ, किसी भी कार्य को कर रहे हों उन सभी के लिए समान रूप से हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो समान रूप से लागू होता है इसके बाद हम ये देखेंगे कि सेफ्टी एंड हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि जो मानक जो बने हुए हैं उनको फॉलो करने में या उन मानकों को एक स्तर पर एक अच्छे स्तर पर रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में किस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उसमें सबसे प्रमुख जो समस्या है मैं उसकी यहाँ पर आपसे चर्चा करूँगा और इस समस्या को आप एक स्टूडेंट होने के नाते बेहतर तरीके से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर मेरा तात्पर्य ज़्यादातर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से है कि ज़्यादातर जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में हमारी ओवरऑल कंट्री में या ओवरऑल वर्ल्ड में भी जो ज़्यादा संख्या है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की है और यहाँ पर जो जोर मैं दे रहा हूँ बार बार वो प्रॉफिट मेकिंग शब्द पर है और जब हम प्रॉफिट मेकिंग शब्द का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट उनका प्राइम टारगेट होता है यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो जिस बिजनेस में वो हैं उससे उन्हें लाभ हो किसी प्रकार का जो भी मॉनिटरी वो खर्च कर रहे हैं उससे अधिक उनको रिटर्न आए तो इस प्रकार से जो उनका ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है वो चाहते हैं कि उससे ज्यादा वो अपनी सेल्स से या अपने जिस भी प्रकार के रेवेन्यू हैं उससे वो उसको जनरेट कर सकें तो इस प्रकार की जब उनकी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है तो इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो उसको कम करना चाहते हैं यानी कि वो हमेशा ये प्रयास में रहते हैं कि किस तरीके से हम ओवरऑल रनिंग कॉस्ट को कम करें और जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी नीचे लाएं और इसके साथ ही साथ जो ओवरऑल हमारा जो रेवेन्यू होगा या प्रॉफिट होगा वो हाई हो जाएगा लेकिन जब इस तरह की प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं तो वहां पर एक जो स्वतः समस्या आती है कि कॉस्ट कटिंग में वो सबसे ज्यादा जो जिन चीजों पर वो कह सकते हैं कि जिनको वो सबसे कम जरूरी समझते हैं उनको सबसे पहले कट करते हैं और ऐसे में जो ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है या ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित जो प्रैक्टिस हैं उन पर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं आघात पहुंचता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कई बार ये लगता है कि ये प्रैक्टिस इनको बाईपास किया जा सकता है या ये उतनी जरूरी नहीं है जितना इनको बनाया जा रहा है या इस तरह की जो प्रैक्टिस हैं उसका वास्तव में कोई बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान नहीं होने वाला तो इस तरह की कई बार जो थॉट्स हैं या इस तरह की जो टेंडेंसी हम कह सकते हैं वो कई बार आ जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनकी लीडरशिप के अंदर या उनके मैनेजेरियल जो पोजीशंस पे बैठे हैं लोग उनके अंदर इस तरह के थॉट्स कभी कभी आ जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि वो कॉस्ट कटिंग में सबसे पहले सेफ्टी एंड हेल्थ पे जो खर्चे हो रहे हैं या होने चाहिए वहाँ से वो उस कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और इससे ओवरऑल जो सेफ्टी और हेल्थ का जो जो पैरामीटर होना चाहिए जो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कहीं ना कहीं वहां उससे कॉम्प्रोमाइज होता है इसके बाद हमें यह भी देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ्टी एंड हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करना उनको एक अच्छे स्टैंडर्ड पर मेंटेन करने के भी बहुत सारे लाभ हैं केवल ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या उसी से ऑर्गेनाइजेशंस की सारी पॉलिसी गवर्न होती हैं बल्कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसे इंसेंटिव भी हैं ऐसे लाभ भी उसको मिलते हैं जब वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हैं या उस पर अधिक अधिक ध्यान देते हैं तो वहाँ पर उनको इससे कुछ फायदे भी होते हैं वो फायदे जो हैं वो मुख्यतः तीन तरह के हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार के फायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को जिसमें पहला है मॉरल बेनिफिट और मॉरल बेनिफिट से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो संस्थाएं हैं उनके अंदर जो लोग कार्यरत हैं यदि उनकी हेल्थ और सेफ्टी दोनों को एश्योर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन तो इस प्रकार की जब उनकी ओवरऑल हम कह सकते हैं पॉलिसी होती है तो इससे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर कार्य कर रहे हैं जो लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनका ओवरऑल मोरल बढ़ता है उनका मोटिवेशन बढ़ता है उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट भी बढ़ता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस प्रकार का एक लीडरशिप के अंदर भी एक ऐसा बोध आता है कि जहां उन्हें यह लगता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ जस्टिस कर रहे हैं उन्हें एक फेयर वर्क प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान या किसी तरह का कोई खतरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसे में ये उनके लिए यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसकी लीडरशिप के लिए एक बहुत ही बड़ा मोरल इंसेंटिव होता है और उसके बाद दूसरा जो कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होता है लीगल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि यदि किसी भी संस्था में कभी भी कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ यदि कोई हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज होता है या कोई कमी रह जाती है तो ऐसी अवस्था में यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसका सारा जो नुकसान या खर्चा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है और ऐसे में उस खर्चे और नुकसान के साथ जो कि हमारा तीसरा फैक्टर भी है जिसको हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फैक्टर है उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिम्मेदारी आती है वो होती है लीगल जिम्मेदारी यानी जो व्यक्ति आपके लिए कार्य कर रहा है आपकी जगह पर कार्य कर रहा है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखने की लीगल जिम्मेदारी न सिर्फ मोरल बल्कि लीगल जिम्मेदारी भी संस्था की बनती है और ऐसे में जब संस्था इस प्रकार की प्रैक्टिसेस करती है जो तो जो उसके एम्प्लॉयिज़ की सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करे उसको मजबूती प्रदान करे तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं संस्था के लिए मॉरल रूप से यानी नैतिक रूप से लीगल रूप से यानी कानूनी रूप से और फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक रूप से इन तीनों तरह से वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाभप्रद होती हैं हम जब फाइनेंशियल लाभ की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें ये एक रोचक तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि एक एस्टिमेट निकाला गया था एक सर्वे में और उसमें यह पाया गया कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड यानी कि उसके कारण उसकी जो अनदेखी करने के कारण जिस प्रकार का नुकसान ऑर्गेनाइजेशंस को होता है जिसको हम दुर्घटना और अलग कुछ और तरह के जो हम कह सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जैसे कि एबसेंटिज़म या जो उसके एम्प्लॉइज का कार्य को छोड़कर चले जाना टर्न तो इस प्रकार की जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं जब उनको एस्टिमेट किया गया इन टर्म्स ऑफ लॉस और डैमेज तो ये पाया गया कि इट वाज एस्टिमेटेड समवेयर नियर हंड्रेड बिलियन डॉलर्स तो इस प्रकार की जो लॉसेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी उस पर डालते हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को ध्यान देना कितना उनके लिए लाभदायक हो सकता है या होता है अगला जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की तो हमें हमें ये समझना भी आवश्यक है कि हेल्थ ऑक्यूपेशन के अंदर हेल्थ से हमारा क्या तात्पर्य है और हेल्थ से यहाँ पर तात्पर्य है द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडीज एंड माइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द मटेरियल्स प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स यूज इन दर्क प्लेस यानि कि जो कार्यस्थल पर जो भी कार्य उनको करना है जिस भी मटेरियल्स को उनको यूज करना है या उसके साथ उनको कार्य करना है और इसकी वजह से उनके शरीर पर या उनके मन मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव या कोई भी परेशानी या बीमारी न हो और उससे बचाव यानी उनको ओवरऑल इन सभी जो जो दुष्कर परिणाम हो सकते हैं एक वर्क प्लेस में कार्य करने के उन सभी से उनका बचाव जो है वही उस व्यक्ति के हेल्थ को इंश्योर करता है इसके बाद जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग वहां पर यानी जो एम्प्लॉयज वहां पर कार्यरत हैं संगठन में उनकी किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल इंजरी उनको न हो उस कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम फिजिकल इंजरीज इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेफ्टी का जो सुरक्षा को दर्शाता है एक संस्था के अंदर जो उसके एम्प्लॉयज वहां पर कार्यरत हैं इसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंट्स की यानी दुर्घटना और एक्सीडेंट्स उनको कहा जाता है जब कोई भी अनप्लैंड यानी कि कोई आकस्मिक घटना हो जिसकी वजह से लोगों को या तो उनकी ओवरऑल सेहत को नुकसान हो या उनको किसी प्रकार की कोई चोट लग जाए या इससे भी ज्यादा किसी प्रकार का कोई डैमेज या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और समटाइम्स एक्सीडेंट्स की वजह से जो फाइनल जो रिजल्ट होता है वो समटाइम्स इवन जिसको हम कहते हैं फेटल एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं यानी लोगों को जो एम्प्लॉयज वहाँ पर कार्यरत हैं उनको कई बार अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है तो ऐसे में जो ये ओवरऑल जो एक्सीडेंट्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि ये अनप्लैंड होते हैं यानी ये आकस्मिक होने वाली घटना है और इसको आप जब हो जाती है तो इसमें किसी न किसी प्रकार का लॉस और डैमेज इन्वॉल्व होता है चाहे वो पीपल पर्सन का हो चाहे वो प्रॉपर्टी का हो तो लॉस भी इसमें इन्वॉल्व रहता है अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी दुर्घटनाओं की चर्चा करेंगे कुछ ऐसी वर्क कंडीशन रिलेटेड एक्सीडेंट्स की हम चर्चा करेंगे जो हमें इस ओवरऑल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझने में हमारी सहायता इससे होगी और साथ ही साथ हम जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं उसके महत्व को भी हम यहाँ पर इस अपने जो चर्चा हम करेंगे इन इंसिडेंट्स की उसके माध्यम से हम ये भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि क्यों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पर ध्यान दिया जान, जाना बहुत ज़रूरी है और ये न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए न सिर्फ उसमें कार्यरत व्यक्तियों के लिए बल्कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये हमको इन एग्जाम्पल्स से जो इंसिडेंट्स की हम चर्चा करेंगे उससे यहां पर स्पष्ट होगा तो पहला जो इसमें एक दुर्घटना हुई जिसको हॉक्स नेस्ट ट्रेजेडी भी कहते हैं और ये जो दुर्घटना है ये अमेरिका के एक शहर में हुई थी और वहां पर जो लोग थे वो माइनिंग से संबंधित कुछ कार्य कर रहे थे और वहां पर उन्हें एक पर्टिकुलर एक ऐसी जगह थी एक ऐसी पहाड़ी थी जहाँ उन्हें एक टनल का निर्माण करना था और उस टनल के निर्माण में उन्होंने वहाँ पर उन सभी को ये तब तक नहीं पता था कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर ऐसा केमिकल उस पहाड़ी में अधिक मात्रा में मौजूद है जिसकी वजह से उन सभी जो वहाँ पर जो कार्यरत जो लेबर थे जो वहाँ पर उस साइट पर काम कर रहे थे उन सभी को उसकी वजह से बहुत कई प्रकार के कैंसर्स उनको हुए जिसमें जिसका प्रमुख कारण था सिलिकोसिस यानी कि एक प्रकार की केमिकल जो है उसकी वजह से बॉडी के अंदर इस तरह के चेंजेस हो गए कि उन सभी वर्कर्स को वहाँ पर उस एनवायरमेंट में काम करने की वजह से उस प्रकार का जो वो पहाड़ी था जिसमें वो केमिकल की मौजूदगी ज़्यादा थी वहाँ पर उनको कार्य करने के कारण उनकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होने लगी और वहां पर ये देखा गया कि अमूमन इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं उस इंडस्ट्रीज़ में भी जो लोग कार्य करते हैं वहाँ पर भी इस बीमारी को डेवलप होने में 20 से 25 साल लगते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे हम हॉक्स नेस्ट ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में 12 महीने से 18 महीने के बीच में ही वहाँ के जो वर्कर्स थे जो कार्य कर रहे थे उनको ये समस्याएं आने लगी और इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसमें से बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो वहीं पर उनकी जान भी चली गई और इस कारण से जो ओवरऑल जो वहां का जो लोगों का जो वर्कर वहाँ काम कर रहे थे उनका मोरल भी डाउन हुआ लेकिन इसके बाद जो और चौंकाने वाली बात थी वो थी जिस एजेंसी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये कार्य मिला था टनल निर्माण का उसका जो रवैया था वो इससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं दुखदायी था और वो उसने ये किया कि जो भी वर्कर्स वहाँ पर जिसकी इस तरह के वातावरण में कार्य करने की वजह से उनकी जान जा रही थी उन्होंने उन सभी वर्कर्स को वहीं पर आसपास ही कहीं पर भी रैंडमली दफना दिया और उनको उनके परिवार वालों को भी उसके बारे में सूचित नहीं किया और जब उनके परिवार वाले इस बारे में पूछते थे कि हमारे घर का सदस्य कहाँ है और वो यहाँ कार्य करने आया था उसके बाद उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही तो इस प्रकार के जो क्वेरीज आती थी, थी उनका आंसर वो ये देते थे कि वो एम्प्लॉय यहाँ से काम छोड़ करके चला गया और उसके बाद उसने हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी तो जाहिर है जो संस्था ये कार्य कर रही थी उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था कि वो लीगल और फाइनेंशियल जो उसकी कमिटमेंट्स थी उससे वो बचना चाह रही थी और वो ये चाहती थी कि इस काम को करने की वजह से जो भी नुकसान हो रहे हैं वो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को ना उठाना पड़े बल्कि इसकी वजह से जो बैड पब्लिसिटी होगी उसकी वजह से हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाए और वो कार्य जो कर रहे हैं वो भी उनके हाथ से निकल जाए तो इस प्रकार की जो मेंटालिटी थी उसकी वजह से ये जो पूरी घटना है ये एक त्रासदी में बदल गई और वहां पर बहुत सारे लोगों को बेवजह बिना हम कह सकते हैं बेसमय अपनी जान गंवानी पड़ी ऐसी परिस्थितियों में कार्य करके जिसमें उनका अपना कोई दोष नहीं था तो ये इस प्रकार की घटना जब ये उजागर हुई तो इससे लोगों के बीच में एक काफ़ी हम कह सकते हैं आक्रोश का माहौल भी आया और जो इस तरह की प्रैक्टिसज हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी और हेल्थ को लेकर के कंसर्न नहीं है या उसको महत्वपूर्ण नहीं मानती ऐसी जो प्रैक्टिसज हैं उन पर भी लोगों का काफ़ी ध्यानाकर्षण हुआ और उसके बाद इस तरह की जो प्रैक्टिसज हैं उनको कंडेम किया गया उनकी आलोचना की गई और एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक की तरफ से एक इस तरह की हम कह सकते हैं एक मूवमेंट भी हुई जिसके बाद इस तरह के जो जो आगे ऐसी घटनाएं न दोहराई जा सकें इसके बाद एक और मैं यहाँ पर घटना की चर्चा आपसे करूँगा जिसमें एस्बेस्टोस की जो समस्या थी जिसको एस्बेस्टोस मेनेस भी कहा गया और ये भी एक अमेरिका में होने वाली एक घटना है जहाँ पर एसबेस्टोज एक प्रकार का एक ऐसा मटेरियल है जिससे बहुत सारे जो हार्डवेयर मटेरियल्स तैयार होते हैं जो यूजुअली लोग अपने घरों में और इस तरह की जगहों पे उसका उपयोग करते हैं उसके निर्माण में लेकिन एसबेस्टोज से ओवरऑल जो हेल्थ है जिस जो एम्प्लॉय वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान है और एसबेस्टोज अपने आप में भी एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह है तो इसके पहले तक जब तक कि इसके बारे में इसके नुकसान के बारे में किसी को कोई चीज़ या किसी को इस बारे में सही जानकारी नहीं थी इसके पूर्व तक एस्बेस्टोस का निर्माण को लेकर के और उसके उपयोग को लेकर के लोगों में एक बहुत ही हम कह सकते हैं उत्साह भी था और उसको लोग स्टेटस के तौर पर भी लेते थे कि वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं परंतु एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक डॉक्टर ने जो कि उन्होंने इस प्रकार के मरीजों का इलाज किया था जिनके अंदर उन्होंने ये देखा कि उनके अंदर जो एस्बेस्टोज की वजह से जो केमिकल्स हैं उससे रिलेटेड वो उनके अंदर उन्होंने पाए उनकी ब्लड स्ट्रीम में उनकी ओवरऑल बॉडी में और जिसकी वजह से इस तरह के जो पेशेंट्स थे उनके अंदर बहुत प्रकार के अलग अलग तरह के कैंसर्स रिपोर्ट हुए और उन्होंने ये देखा कि ये पर्टिकुलर जो कैंसर है इसका जो मेन रीज़न निकल कर आ रहा है वो एसबेस्टोज का उपयोग है और इस तरह के जो लोग हैं वो इस तरह की इंडस्ट्रीज में कार्य कार्य कर रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने जब इस चीज़ को प्रेजेंट किया एक कॉन्फ्रेंस में तो इस जानकारी के बाद लोगों के अंदर इस घटना को लेकर भी एक बहुत ही हम कह सकते हैं उनको शॉकिंग लगा और इससे लोगों के अंदर फिर से इस पूरी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की जो प्रैक्टिसज हैं उसको लेकर के जो उनकी ओवरऑल जो थिंकिंग है वो फिर से हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी दिशा में मुड़ी जहां उन्हें ये लगने लगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो संगठन में काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए इसके बाद एक इंडिया में ही हुई यह घटना जिसको हम भोपाल ट्रेजिडी या भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्र इस घटना से वाक, वाकिफ होंगे या कम से कम इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा और ये जो घटना हुई थी ये भारत के एक शहर यानी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल वहाँ पर एक कंपनी है जो यूनियन कार्बाइड उस कंपनी के अंदर ये घटना हुई थी और उसकी वजह से उस दिन वहाँ पर जो उसके वर्कर्स थे उनको तो अपनी जान गंवानी ही पड़ी बल्कि शहर के अंदर जो कंपनी जहाँ पर स्थित थी उसके आसपास के जो लोग थे उनको भी इस गैस लीकेज की वजह से जो इस कंपनी में जो गैस का इस्तेमाल हो रहा था उसके ओवरऑल जो प्रोडक्शन सिस्टम में उसमें इस गैस के लीकेज की वजह से और जो लीकेज हुई थी वो लीकेज वहाँ के जो फॉल्टी इक्विपमेंट्स थे जिनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं की जा रही थी और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स थे वो आउटडेटेड भी थे तो इस प्रकार की जो ये पूरी घटना हुई जिसमें बहुत से मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वहाँ पर इस प्रकार की जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उसके बाद भी इस पर आज तक चर्चा होती है और इस प्रकार की जो घटना है उसकी आज भी निंदा होती है तो ये सब जो इंसिडेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो ये इंसिडेंट्स हैं ये हमें इस तरफ इशारा करते हैं कि हमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को महत्वपूर्ण मानना ही चाहिए और साथ ही साथ उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम हो वो भी उठाने चाहिए इसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उनकी हम अब चर्चा करेंगे और इसमें जो पहला प्रमुख जो फैक्टर है वो है वर्क प्लेस एनवायरमेंट यानी कि कार्यस्थल का जो वातावरण है यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर है या वहाँ की जो लाइटिंग्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय वहां कार्यरत हैं या जो वर्कर वहां कार्यरत हैं उनके सेफ्टी और हेल्थ से संबंधित होते हैं यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर में उसको अगर कार्य करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा नॉइजी कंडीशन में अगर उसको कार्य करना पड़ रहा है तो इन सभी प्रकार की जो वर्क कंडीशंस हैं इसकी वजह से जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है या हम यूं कहें कि इसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है और जो उनकी ओवरऑल सेफ्टी भी है वो भी कही न कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्रभावित होती है इसके बाद जो दूसरा एक प्रमुख फैक्टर है विच इज रिलेटेड टू वायलेंस यानी कि एक संस्था के अंदर या एक संस्थान के अंदर हिंसा जो कि अमूमन एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ करता है या कर सकता है जिसकी संभावना है और जहां पर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत एम्प्लॉयज़ एक साथ कार्य करते हैं जिसमें वो उनके बहुत सारे लोगों से इंटरपर्सनल हम कह सकते हैं इंट्रैक्शन्स भी होती हैं यानी कि एक व्यक्ति जो एक संस्था में कार्य कर रहा है वो वहाँ पर और जो दूसरे कार्यरत उसके सीनियर्स जूनियर्स या उसके कलीग्स हैं उन सभी के साथ वो व्यक्ति वन टू वन इंटरेक्ट करता है और ऐसे में कई बार ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां पर उनको कभी कभी उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है जिसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई डिससेटिस्फेक्शन या उनके उनको ये लगता हो कि सामने वाले एम्प्लॉय से उनको किसी प्रकार का कोई आ, ऐसा मैसेज या कोई इस प्रकार का ऐसा बिहेवियर प्रेजेंट हुआ है सामने वाले से जो उनको ऑफेंडिंग लगा हो या सामने वाले से उनको कोई आ, किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस हुआ हो इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन या इन टर्म्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट या इन टर्म्स ऑफ हम कह लें कि उसने सामने वाले ने उसके बारे में कोई इनसेंसिटिव बात कह दी हो तो इस प्रकार के बहुत से रीजंस हो सकते हैं लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो अक्सर वॉयलेंस के रूप में उभर कर आता है और वायलेंस कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके लिए तो वो नुकसानदेह है ही और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरमेंट है जो वहाँ का जो वर्कर्स का जो एक हम कह सकते हैं जो मोराइल है वो भी इससे प्रभावित होता है तीसरा जो एक प्रमुख फैक्टर होता है वो है सब्सटेंस मिसयूज़ और वो सब्सटेंस मिसयूज़ से यहाँ पर तात्पर्य है कि कार्य के दौरान यानी कि ऑन ड्यूटी या ऑन जॉब जब लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज वो अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा पदार्थ कोई नशीला पदार्थ जैसे अल्कोहल या किसी और प्रकार का कोई ड्रग्स जिसकी वजह से जिसको लेने की वजह से उनकी अपनी सेहत तो खतरे में आती ही है लेकिन वो जो कार्य करने वाले हैं संस्था के अंदर या उस कंपनी के अंदर उस कार्य को करने की जो उनकी एफिशिएंसी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और ऐसे में वो जो उनकी घटी हुई क्षमता है यानी कि जो उनका डिक्रीज अटेंशन है या उनकी जो कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड या रिएक्शन टाइम की जो उनकी क्षमता है वो घटती है और ऐसे में जो ये एम्प्लाईज जो किसी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में हो या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होते हैं ये अक्सर करके इस प्रकार की कोई दुर्घटना को अंजाम देते हैं जो अगर ये सही अवस्था में होते तो इस प्रकार की घटना को टाला जा सकता है तो कुल मिलाकर के सब्सटेंस एब्यूज एक प्रोमिनेंट फैक्टर हो सकता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी और हेल्थ को प्रभावित करने वाला ये एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है और सब्सटेंस एब्यूज करने वाले व्यक्तियों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि उनके अंदर रिस्क टेकिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है और उनका वॉयलेंस यानी वॉयलेंस करने की भी जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है उन एम्प्लॉयज के मुकाबले जो एम्प्लॉयज इस तरह की सब्सटेंस एब्यूज या जो ड्रग का सेवन है उसमें जो नहीं रहते हैं या उस तरह के जो एक्टिविटीज़ में जो पार्ट नहीं लेते एम्प्लॉयज़ उनके मुकाबले जो एम्प्लॉयज़ ड्रग एब्यूज़ करते हैं या अल्कोहल लेते हैं इस तरह के एम्प्लॉयज़ में एग्रेशन ज्यादा देखा गया है वायलेंस ज्यादा देखा गया है इसके बाद सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वर्क प्लेस कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अक्सर उन्हें एक जगह से दूसरे स्थान पर या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या विद इन द अगर वो एक ही जगह पर भी कार्यरत हैं तो जहाँ पर हैवी प्रोडक्शन का काम चल रहा हो या किसी और तरह का कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और इस प्रकार की बहुत सी कंडीशंस हैं जहाँ पर कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट्स करनी होती हैं और ऐसे में जो मूवमेंट का उनका जो पैसेज है या जो उनका जो रास्ता है यदि वो सेफ नहीं है तो ऐसे में इसके बहुत गुंजाइश है कि उनकी जो ओवरऑल जो सेफ्टी एंड हेल्थ है वो कही न कहीं ना कहीं एट रिस्क है यानी कि उनको इंजरीज़ के चांसेस हैं इस तरह की जो मूवमेंट्स अगर जो वो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि वो सेफली उन मूवमेंट्स को नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अक्सर एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसे टास्क दिए जाते हैं या ऐसे कुछ टास्क करने होते हैं जिनको उन्हें ऊंचाई पर यानी एक सर्टेन हाइट पर उनको कार्य करना होता है और इसका एक जो प्राइम एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं वो है आप यूजअली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखेंगे कि जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है या इस प्रकार के जो बड़े पुल बनते हैं या कोई भी ऐसा निर्माण यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यह ज्यादा देखा जाता है इस प्रकार का जो वर्किंग एट हाइट का जो एग्जांपल हमें मिलता है ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मिलता है तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जब हम कार्यरत लोगों को देखते हैं तो वहाँ पर उसके उससे संबंधित बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं ऐसी बहुत सी गाइडलाइंस हैं जो उनको फॉलो की जानी चाहिए परंतु यदि उनको नेग्लेक्ट किया जाए तो उसकी वजह से उनकी सेफ्टी और हेल्थ दोनों को ही नुकसान पहुंच सकता है जैसे उदाहरण के लिए जब ऊंचाई पर जिन लोगों को कार्य करना होता है वहां पर उनको सेफ्टी uh, बेल्ट्स लगानी होती हैं जो कि उनको बिल्डिंग के किसी मज़बूत या उस स्ट्रक्चर के किसी मज़बूत जगह से उनको बांध कर रखती है या फिर नीचे फॉल होने की कंडीशन में वहाँ पर उनको नेट यानि कि एक ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ आसपास बनाया जाता है जिससे यदि वो सीधे गिरे भी किसी वजह से तो उनको uh, जान को खतरा ना हो या मिनिमम इंजरीज हो तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट्स हैं वो अक्सर किए जाने का प्रोविज़न होता है और कई बार कॉस्ट कटिंग के लिए या जल्दबाजी में कार्य को पूरा करने के लिए और कई बार ये जो हो सकता है वर्कर के पार्ट पर या एम्प्लॉयज़ के पार्ट पर भी ये एक लापरवाही होती है जिसकी वजह से इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो घटित होते हैं इसके बाद एक अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है स्ट्रेस और स्ट्रेस यानी तनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एम्प्लॉयज कार्यरत हैं वो सभी एम्प्लॉयज इस्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जब कोई भी व्यक्ति एक ऐसी कंडीशन से उसका पाला पड़ता है यानी एक ऐसा टास्क या डिमांड उसके सामने आती है जिसको पूर्ण करने के लिए जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं यदि वो उससे कम हो तो वो व्यक्ति तनाव महसूस करता है यानी कि अगर हम इसको एक सिंपल इक्वेसन के तौर पर देखें तो अगर किसी भी व्यक्ति के सामने और यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं अगर कोई भी डिमांड है उसके सामने और ये डिमांड इन टर्म्स ऑफ जॉब हो सकता है कोई भी टास्क हो सकता है और ये डिमांड को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज की उसकी आवश्यकता है अगर ये डिमांड ज्यादा होगी रिसोर्सेज से जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं उस कार्य को करने के लिए यानी कि समय जैसे यदि उस व्यक्ति को कोई टास्क पूरा करना है उसके लिए उसके पास कम समय बचा है या फिर उसको जो कार्य करवा उसको पूरा करना है उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयीज़ या जो एक संख्या की ज़रूरत है वो उसके पास नहीं है या जिस प्रकार के उसको रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो अगर उसके पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में उस एम्प्लॉय को जो डिमांड करनी है पूरी जॉब से रिलेटेड और उसके पास जो संबंधित रिसोर्सेज का अभाव है तो ऐसी कंडीशन में वेन एवर द डिमांड एक्सीड्स द रिसोर्सेज तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट होता है वो स्ट्रेस के रूप में रूप में एम्प्लॉयी के सामने आता है तो जब भी इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो एम्प्लॉय के सामने जो इस परिस्थिति से जो आ, उसको जो तनाव महसूस होगा वो उसकी ओवरऑल सेहत के लिए और उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशंस को अक्सर इस बात में ध्यान देना चाहिए कि जो उसके एम्प्लॉयज़ वहाँ कार्यरत हैं उनको जॉब की वजह से यानी जॉब डिमांड की वजह से या कार्य करने की जो परिस्थितियाँ हैं उनकी वजह से बहुत अधिक स्ट्रेस न हो क्योंकि जो स्ट्रेस है उसे साइलेंट किलर भी कहा गया है यानी कि यूजुअली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको इमिडिएटली इसके प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि कई बार वो अपने कार्य में इतने हम कह सकते हैं कि बिज़ी होते हैं या अपनी ओवरऑल लाइफ में इतने बिजी होते हैं परंतु जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं यानी स्ट्रेस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालते हैं और वो व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं यानी कि इस तरह के व्यक्ति जो कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करते हैं उनके अंदर अक्सर बहुत ज़्यादा हाई उनके अंदर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज या अन्य मेडिकल डिसऑर्डर्स उनके अंदर उसकी अधिकता देखी जाती है कि उनके अंदर इस प्रकार की जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है इसके साथ ही साथ इस प्रकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी भी उनके अंदर प्रॉबेबिलिटी बढ़ जाती है और ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम कर रहा है और वो अननोटिस्ड रहती है उसकी ये कंडीशन तो ऐसे में कई बार ये सिचुएशन ब्रेकडाउन की तरफ ले जाती है या वो व्यक्ति इसकी वजह से उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उस एम्प्लॉय को झेलने पड़ सकते हैं और जब इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो अगेन इन टर्म्स ऑफ जो उसका परफॉर्मेंस होगा उस पर भी दिखेंगे और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयी का ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशनल जो उसकी जो वर्क रिलेटेड जो उसकी एंगेजमेंट है ये सभी नीचे जाएंगे और साथ ही साथ जो उसकी परफॉर्मेंस तो नीचे गिर ही रही है ओवरऑल इस प्रकार के एम्प्लॉयज उनका एबसेंटिज्म का रेट भी हाई होता है और उनके टर्न यानी कि उस संस्था को या उस कार्य को छोड़ देने की जो उनकी टेंडेंसी होती है या जो इंसिडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं तो इस प्रकार से स्ट्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी वर्कप्लेस सेटिंग के अंदर एक एम्प्लॉय के आ, सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण आ, रोल प्ले करता है इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक और कॉन्सेप्ट की और ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसकी हम बात करेंगे और यह है फटीग और फटीग एक प्रकार का एक थकान का अनुभव है जो कि फिजिकल कम और मेंटल ज्यादा होता है यानी कि जो व्यक्ति या जो एम्प्लॉय इस प्रकार का जो तनाव महसूस करते हैं यहाँ पर हम थकान की बात कर रहे हैं तो फटीग जो महसूस करते हैं एम्प्लॉयीज उनको ये मूलतः उनके कार्य से ही कहीं ना कहीं ये उपजता है यानी जिस कार्य को वो कर रहे हैं उसी से ये कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है फटीक और इसके कारण बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एम्प्लॉइज को वर्कर्स को हम कह सकते हैं कि उसका सामना करना पड़ता है अब हम इसके आगे जो चर्चा करेंगे फटीक से ही संबंधित वो है कि फटीक के सिम्टम्स क्या हैं और जो एम्प्लॉयज वहाँ कार्यरत हैं उनके अंदर जो फटीक जनरेशन हो रहा है जो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और जो उनकी फिजिकल कंडीशन के साथ साथ ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक मेंटल कंडीशन है और इसमें जो व्यक्ति है वो इस प्रकार के सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे जैसे रबिंग द आइज और लॉन्ग आई ब्लिंक्स यानी कि जो पहला सिम्टम होगा फटीक का वो होगा कि व्यक्ति बार बार अपनी आँखों को मलेगा और उसके बाद वो अपनी आँखें उसकी जो हैं वो झपकियाँ भी लेगा बहुत ज़्यादा और इसके साथ साथ एक और जिसको हम जमहाई बोलते हैं यानी यौनिंग तो ये भी एक उसका सिम्टम होता है उसके बाद जो दूसरा प्रमुख सिम्टम है फटीक का वो है इरिटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी से यहाँ तात्पर्य ये है कि जो एम्प्लॉय होगा वो चिड़चिड़ापन या चिड़चिड़ा स्वभाव प्रदर्शित करेगा जब भी वो फटीक के इंफ्लुएंस में होगा इसके बाद जो तीसरा सिम्टम है वो है स्लीपीनेस यानी कार्य के दौरान जो एम्प्लॉय होगा जो वर्कर होगा वो उसको बार बार नींद जैसा लगेगा और उसको सोने की इच्छा होगी और उसको बार बार सोने का आ, हम कह सकते हैं कि एक झोंका आएगा उसको नींद का झोंका आएगा और उसको बार बार ये लगेगा कि उसको नींद आ रही है तो इस प्रकार का सिम्टम भी हमें देखने को मिलता है इसके बाद जो हमें डायरेक्टली देखने को तो नहीं मिलता बट अगर उसको ठीक से ऑब्जर्व किया जाए तो लैक ऑफ मोटिवेशन यानी कि जो एम्प्लॉय की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है और इसका जो प्रमुख कारण है वो है सिम्टम जो जनरेट हुआ है फटीक की वजह से एंड दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन यानी कि जो व्यक्ति है उसमें कार्य करने की जो इच्छा है जो उसका अभिप्रेरण है वो घट जाता है वो कम हो जाता है इसके बाद जो अगली जो सिम्टम है वो है इन एबिलिटी टू सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम्स यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको जो चीज़ें जो कार्य वो बहुत आसानी से इसके पूर्व में कर ले रहा था जो टास्क वो बड़ी आसानी से कर रहा था वो सभी टास्क अब उसको करने में दिक्कत आ रही है या जो पहले उसके लिए जो कार्य बड़ा ही आसान था जो वो रूटीनली फॉलो करता था या उसको रूटीनली पूरा कर देता था उस कार्य को भी अब उसे पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं और यह प्रदर्शित करता है कि वो व्यक्ति थकान के का अनुभव कर रहा है या फटीग को एक्सपीरियंस कर रहा है तो ऐसे में यह उसका एक प्रमुख सिम्टम हो सकता है इसके बाद जो व्यक्ति है वो इंस्ट्रक्शंस जो उसको दिए जाएंगे जो निर्देश उसको दिए जाएंगे चाहे वो किसी कार्य से संबंधित हो कोई टास्क पूरा करने से संबंधित हो कोई डेडलाइन देने से संबंधित हो या उसी समय तत्काल कोई पर्टिकुलर चीज़ लानी हो या कोई कार्य करना हो या किसी को कोई मैसेज देना हो या किसी भी प्रकार का उसको जो भी इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में दिया गया हो वो उनको भूल जाता है या उनको फॉलो अप नहीं कर पाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी ये एक सिम्टम होता है फॉर फटीक का इसके बाद हेडेक हेडेक भी एक प्रकार का सिम्टम देखा गया है अक्सर उन एम्प्लॉयज़ में जो फटीक एक्सपीरियंस करते हैं जो थकान की शिकायत बताते हैं उनके अंदर हेडेक यानी सर में दर्द भी एक प्रकार का उनका एक सिम्टम हो सकता है इसके बाद एक और सिम्टम जो प्रदर्शित होता है फटीक के दौरान वो है नॉट टॉकिंग टू को वर्कर्स यानी कि जो एम्प्लॉय होगा वो अपने साथ ही सहकर्मियों से बातचीत नहीं करेगा या उनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा किसी भी प्रकार से उनसे घुलेगा मिलेगा नहीं और इस प्रकार की जो टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो वर्क एन्वायरमेंट है उसके लिए भी सही नहीं है और साथ ही साथ जो एम्प्लॉ है उसकी भी ओवरऑल जो हम कह सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस के साथ साथ हम यहां पर कहें कि जो एम्प्लॉई का अपने साथियों के साथ जो रिलेशन है जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं इसके बाद एक और जो सिम्टम है फटीक का वो है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी कि जो व्यक्ति होगा जो एम्प्लॉय होगा जो फटीक एक्सपीरियंस करेगा वो अपने कार्य पर ध्यान लगाने में असक्षम महसूस करेगा यानी वो अपने कार्य पर फोकस करने में उसको दिक्कत आएगी और ऐसी स्थिति में जो फटीक के जो सिम्टम्स हैं ये सभी ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो एम्प्लॉयी है उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी और यहाँ पर हम फटीक के जो इफेक्ट्स की जब चर्चा करेंगे तो ये चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे जो एम्प्लॉयीज़ हैं उनको फटीक की वजह से जो दुष्प्रभाव उसके हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी कैपेसिटी को तो कम करते ही हैं साथ ही साथ जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको भी वो उसके लिए भी वो नुकसानदेह होते हैं तो फटीक के होने वाले इफेक्ट्स या हम इसको कहें जो उसके दुष्प्रभाव हैं वो इस प्रकार हैं पहला रिड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी कि एम्प्लॉयी अभी तक जो भी कार्य या जो भी निर्णय वो ले पाने में सक्षम थे फटीक के इफेक्ट के बाद यानी फटीक आने के बाद वो एम्प्लॉयज उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता है उसमें गिरावट देखी गई है यानी कि वो सहज रूप से जो निर्णय पहले ले लिया करते थे या जो निर्णय लेने में उनको बहुत अधिक समय नहीं लगता था अब उन निर्णयों को लेने में उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है इसके बाद जो इसका दूसरा बहुत प्रमुख इफेक्ट पड़ता है जैसा मैंने बार बार चर्चा में आपसे कहा कि प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस जो है वो दोनों में ही गिरावट देखी जाती है यानी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें तो गिरावट आएगी ही और जो एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है जो उसका जो निष्पादन है वो भी प्रभावित होगा यानी वो भी नेगेटिवली नीचे जाएगा और इसके बाद जो तीसरा इसका दुष्प्रभाव होगा वो है रिड्यूस्ड अटेंशन यानी कि जो एम्प्लॉई संस्था के अंदर कार्य कर रहा है कहीं ना कहीं उसको इसकी वजह से जो उसका अटेंशन होगा यानी उसका कार्य पर जो ध्यान लगाने की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी इसके बाद इंक्रीज रिएक्शन टाइम यानी कि जो उसकी रिस्पांस करने की जो तीव्रता है या जो उसकी रिस्पांस करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा और इसकी वजह से फटी की वजह से जो एक और प्रभाव देखा गया है वो है लॉस ऑफ मेमोरी और यहाँ पर लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो टेम्प्रोरी है और ये मुख्यतः कह सकते हैं कि जो उस दौरान उसी समय जो उसकी बातें जो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं जो इंस्ट्रक्शंस उसको बताए गए हैं या कोई भी किसी तरह का कोई उसको मैसेज दिया गया है वो उन चीज़ों को याद रखने में मुश्किल महसूस करता है उसके बाद इंक्रीज एरर्स यानी गलतियों की संभावना अधिक होती है इस प्रकार की कंडीशन इसके बाद इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ टेकिंग रिस्क और जब व्यक्ति फटीक के इफ़ेक्ट में होता है तो उसके अंदर जो रिस्क लेने की जो टेंडेंसी होती है वो हाईटेंड होती है यानी वो बढ़ जाती है इसके बाद हम एक और जो दुष्प्रभाव है फटीक का वो है एब्सेंटिज्म और टर्नओवर का बढ़ जाना यानी कि जो एम्प्लॉय है वो अपने कार्य से ज़्यादा समय तक वो एबसेंट रहेगा यानी वो अधिक छुट्टियाँ लेगा और साथ ही साथ उसका टर्नओवर की जो यानी कि जो कार्य को छोड़कर चले जाने की या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाने की जो उसकी टेंडेंसी होगी या जो इस तरह का जो बिहेवियर होगा वो ज़्यादा होगा उस एम्प्लॉय का उस एम्प्लॉय का जो फटीक के इफेक्ट में होगा इसके बाद एक और बहुत ही इसका जो दुष्प्रभाव है वो है इनएबिलिटी टू स्टे अवेक यानी कि जो व्यक्ति जिसको फटीक का जो फटीक का सामना कर रहा है उस व्यक्ति के लिए जागृत रहना या पूरी तरह से जगे रहना उसको मुश्किल उसमें महसूस होगी यानी कि जैसा कि हमने सिम्टम में भी देखा था उसको स्लीपीनेस महसूस होगा यानी उसको बार बार ऐसा लगेगा कि उसे नींद आ रही है लेकिन ऐसे में उसके लिए जगे रहना या अपना पूरा ध्यान बनाए रखना उसके लिए मुश्किल होगा और इसके साथ साथ इसका एक और बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है और हम जैसा यहाँ देख पा रहे हैं कि उसका अटेंशन घट जा रहा है उसका रिएक्शन टाइम घट जा रहा है उस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी प्रभावित हो रही है उसके साथ ही साथ उसके अंदर टेंडेंसी टू टेक रिस्क बढ़ जा रही है और उसके उसे अवेक रहने में यानी उसे जागृत रहने में भी मुश्किल हो रहा है उसके लिए और ये सभी कहीं ना कहीं जो इफेक्ट्स हैं ये और एक मेजर इफ़ेक्ट को आ, की तरफ इशारा करते हैं या हम कह सकते हैं कि एक मेजर इफ़ेक्ट की तरफ ये हमें दर्शाते हैं कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय जो फटीक के अंडर में है जो फटीक एक्सपीरियंस कर रहा है उसके एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने की जो प्रॉबिलिटी है वो हाई होगी यानी कि ऐसे एम्प्लॉयीज़ को एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जो उनकी ओवरऑल जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस्ड हैं और इस वजह से जो उसका रिजल्ट हो सकता है वो एक्सीडेंट के रूप में सामने आ सकता है तो इस वजह से फटीक जो है उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें फटीक के जो प्रमुख कारण हैं जो कॉजेज हैं उनको भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है और हम देखते हैं कि जो कॉजेज हैं उसमें जो पहला मुख्य कॉज है वो है जॉब डिमांड यानी कि जो कार्य व्यक्ति कर रहा है यदि वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है वो बहुत ज्यादा व्यक्ति के लिए उसका वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ऐसे में वो व्यक्ति फटीक महसूस कर सकता है यानी थकान महसूस कर सकता है फटीक का बिल्डअप जो होगा वो अधिक होगा उसके बाद मोनोटोनी एक ऐसा कार्य है जो करते वक्त व्यक्ति पूरी तरह से बोर हो रहा है या एक ही प्रकार का नीरस कार्य वो किए जा रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट उसको नहीं है और वो कार्य को करते करते पूरी तरह से वो मोनोटोनी हो जा रही है और इसका एक उदाहरण आपके समझने के लिए मैं अगर बताऊं तो कोई भी जैसे ड्राइविंग का टास्क होता है अगर ड्राइविंग ही आप कर रहे हों तो जब हाईवे पे आप ड्राइविंग करते हैं तो हाईवे की जो ड्राइविंग होती है वो कुछ हद तक मोनोटोनस हो जाती है कंपेयर टू जो शहरों में जब आप ड्राइव करते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ में और वहां बार बार ट्रैफिक लाइट और और तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने होते हैं तो ऐसे में जो ड्राइविंग होती है वो मोनोटोनस नहीं होगी लेकिन जब हाईवे पे आप ड्राइविंग करते हैं तो वो कंपैरेटिवली मोनोटोनस हो जाती है तो यहां पर इस उदाहरण को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप ये समझ सकें कि जैसे कुछ कार्य होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको करते वक्त व्यक्ति मोनोटोनी महसूस कर सकता है यानी एक ही प्रकार का कार्य वो रोज निरंतर और पूरे दिन अगर कर रहा है तो ऐसे में उसको मोनोटोनी हो सकती है जैसे उदाहरण अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग का लें तो यदि कोई व्यक्ति है जिसको दिन भर रिसेप्शन पर बैठ के फोन रिसीव करना है और उसको उस फोन के रिसीव करने के बाद उसको यह बताना है कि यस या नो में अगर उसको जवाब देना है तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि उसका जॉब मोनोटोनस है तो इस प्रकार के कोई भी जॉब्स जिसमें मोनोटोनी हो उस तरह के जॉब्स में फटीक का जो बिल्डअप है वो ज्यादा होता है इसके बाद जो इनएडिक्वेट स्लीप ये बहुत ही प्रमुख कारण है फटीक के डेवलप होने का यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो सही तरीके से नींद नहीं ले पा रहा है जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही है उसे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो ये फटीक के बिल्डअप होने का एक सबसे प्रमुख कारण है और ये ओवरऑल उसकी सेहत के लिए उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए एम्प्लॉय की ये सभी जो कंडीशंस हैं उसमें इनएडिक्वेट स्लीप एक बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है उसके बाद इनएडिक्वेट स्लीप का ही एक कह सकते हैं कि एक कारण ये भी होता है कि इरेगुलर शिफ्ट और ऐसे में इरेगुलर शिफ्ट से यहाँ तात्पर्य है जब व्यक्ति को बार बार अलग अलग तरह के टाइमिंग्स पर उसको कार्य करना पड़ रहा हो जैसे नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट और इस प्रकार की शिफ्ट्स में कंटिन्यूसली अगर वो बार बार उसके कार्य को बदला जा रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति की जो ओवरऑल जो उसकी बॉडी रिदम होता है जिसको हम सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं जो डे नाइट रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे में जो व्यक्ति होता है उसके लिए जगना और सोना के जो बीच का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने में उसको दिक्कत आती है इसके बाद जॉब स्ट्रेस यानी कार्य से संबंधित जो स्ट्रेस है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं तो उसकी वजह से भी फटीक उत्पन्न होता है इसके बाद लॉन्ग वर्किंग आवर्स यानी कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो यदि कंटिन्यूअस हों और लॉन्ग हों बहुत ज़्यादा अवधि के लिए हों तो वहाँ पर भी फटीक का निर्माण तेज़ी से होता है या ज़्यादा होता है यानी कि जैसे अमूमन हम देखते हैं कि हम एट आवर्स वर्किंग बात करते हैं परंतु यदि किसी को ट्वेल्व आवर्स फोर्टीन आवर्स सिक्सटीन आवर्स एटीन आवर्स की वर्किंग अगर करनी पड़ रही हो तो उसके अंदर फटीक डेवलप होने के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे इसके बाद एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशंस यानी कि जो व्यक्ति है उसे यदि ऐसे कंडीशन में काम करना पड़ रहा है जो कि काफ़ी हद तक आ, या तो बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है या ऐसी कंडीशन जो बहुत नॉइजी है तो इस प्रकार की या बहुत ह्यूमिड कंडीशंस हैं तो ऐसी जो एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशंस होती हैं ऐसी परिस्थितियों में भी फटीक के बिल्डअप होने के जो जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो अब इनको अगर हम मद्देनजर रखें तो हम यहां देख सकते हैं कि जो कॉजेज हैं फटीक के वही कहीं ना कहीं फटीक को दूर करने के भी हमें वहां से उपाय यानी जो फटीक को हम कैसे कंट्रोल करें वर्क प्लेस सेटिंग में एम्प्लॉयज में वो हमें वहां से पता चल सकता है जब हम कॉजेस कॉजेस को देखें तो हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक दो हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा जिसमें है वर्कशिफ्ट वर्कशिफ्ट को इस प्रकार से मैनेज किया जाए कि, कि किसी भी एम्प्लॉय को निरंतर उसकी वजह से उसकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नींद ले सके प्रॉपर रेस्ट ले सके और लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो हैं उनको भी बीच बीच में रेस्ट दे करके बीच बीच में ब्रेक्स दे के ड्यूरिंग द वर्क उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स से उनको कह सकते हैं एक प्रकार का हम रिलीफ दे सकते हैं और जो फटीक जो बिल्डअप हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं साथ ही साथ जो एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशंस हैं उनको भी हम बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको कंट्रोल कर सकती हैं बाय प्रॉपर हम कह सकते हैं अरेंजमेंट्स वो इस तरह के जो कार्य हैं कार्यस्थल पे जो एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है तो इस प्रकार की जो आ, कुछ जो इंटरवेंशनस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर किए जा सकते हैं जिससे वो ओवरऑल जो फटीग है उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ में बिल्डअप हो रहा है तो इस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का और उनकी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं और रखते भी हैं बहुत हद तक और जिसको रखा जाना बहुत जरूरी भी है जिसकी हमने अपने इस सत्र में चर्चा भी की और सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ और ज़रूरी जो बातें हैं जो अभी हम अपने इस सत्र में पूरी नहीं कर पाए उसको हम अपने अगले सत्र में अगले सत्र की शुरुआत में उसको हम वहां करने का पूरा करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अपने अगले सत्र में जो ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी इन प्रैक्टिस हमारा सत्र नंबर छः यानी लेक्चर नंबर सिक्स है उसमें हम इसकी चर्चा को आगे जारी रखेंगे और इसी के साथ आज के अपने इस सत्र को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद